तो गाइस चैनल चेक हो गया है और चैनल में कुछ प्रॉब्लम नहीं, बाकी मैंने वेरीफाई भी कर दिया जो हैक वेक होता है। और तो कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह इस बार भी। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कुछ नहीं, आज 25 तारीख है भाई लोग, और सुबह हो गई, चाय वाय भी हो गया है। बस अब निकलते कोचिंग के तरफ, प्रस्थान कर गए यहाँ से। तो उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे कोचिंग तरफ, फिर कोचिंग में क्या होता है वो सब वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलो हम बिना देरी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस मैं कोचिंग पहुँच चुका हूँ अभी, और हाँ सिस्टम सुधारना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर बिगड़ चुका है, और उसके रैम वैम भी बढ़वाना पड़ेगा क्योंकि 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया जो चालू नहीं हो रहा है। तो चलो आज सिस्टम को सुधारने के लिए ले जाएंगे हम, और जैसे कि आप देख रहे होंगे, बाकी तो सारा कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और क्या बोलना चाहिए, वर्ल्ड अभी वीडियो आ नहीं रहे थे, तो कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिस्टम मतलब पूरा क्रेश हो चुका है, तो आज इसको दुकान ले जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, ये देखो क्या क्या बता रहे हैं, बट मैं दुकान ले जाना ही पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो गाइस कंप्यूटर लेके हम आ चुके हैं और अभी शॉप बंद है, देख सकते हैं गणेश इंफोटेक। तो यहाँ पे हम हमारे पीसी लेके आए, सिस्टम ये नीचे पड़ा है। तो जैसे कि यहाँ जैसा सुधरता है वैसे आपको बताते हैं, और हमको एक नया पीसी भी बनवाना है जो असेंबल करवाना है। तो उसके बाद आपको जैसे कि मैं बताऊंगा, कंप्यूटर असेंबल करवाने में अपने हिसाब से होता है, बाकी नया जो कंपनी से लॉन्च होता है वो उनके हिसाब से होता है। तो चलो हम भैया से पूछ लेते हैं आज के असेंबल भी करवाना है, कैसा क्या कितने चार्जेस लगते हैं, तो वो सारी जानकारी है मैं आपको यही ब्लॉग में बताऊँगा। तो अभी भैया का वेट कर लेते, उसके बाद बताते आपको। तो चलो वेट करो यहीं पर। तो गैस मैं कोचिंग आ गया हूँ कंप्यूटर शॉप पर से, क्योंकि वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे लगने वाले हैं, तो मैं यहीं पे आ गया था क्योंकि कोचिंग में कोई थे नहीं। अभी सर्वर सब क्लास ले रहे हैं, ऑफिस खाली है, तो मैंने सोचा सर 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो अभी लाने जाना पड़ेगा कंप्यूटर को, और अपनी दिनचर्या ऐसे चलती रहती है डेली की डेली, बाकी वीडियो उतना बनता नहीं है। तो चलो सब देखने को मिलेगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ आज। तो गाइस मैंने सीपीयू सुधार के ला लिया हूँ, अब उसको फिट विट कर रहा हूँ। तो चलो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये है सीपीयू। इसमें जितने भी अभी केबल है, एक केबल वेबल अभी मैं लगाऊँगा, ठीक है? तो चलो इसको लगाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस चलो हम सर के साथ अभी सर के ऑफिस जा रहे हैं, GTI वाले सर का चैनल चेक करना है, तो हम सर के ऑफिस में जाकर मिलते हैं अभी। तो अभी जा रहे हैं, और आज लोकल मार्केट है वैसे भी कॉलेज रोड का, तो काफ़ी भीड़ भी है, और सीधे वहीं पे जाकर पहुंचते हैं और मिलते हैं आपसे। चलो गाइस हम चलते सीधे ऊपर। CTI क्लासेस बैतूल, ये देख सकते क्लास छूट चुकी है, ऊपर सर है,
तो सर से मिल लेते हैं। सिटी आई है सर, ये बात तो तो चलो गाइस, हम पहले सबसे पहले हम देख लेते क्या क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सर बेटे, ये एसएमपीसी स्टार्ट करते उसके बाद मिलते हैं। तो चलो बने रहिए आप। तो गाइस, चैनल चेक हो गया है और चैनल में कुछ प्रॉब्लम नहीं, बाकी मैंने वेरीफाई भी कर दिया जो हैक वेक होता है। और रियूज्ड का मतलब होता है कि जब अपन किसी का वीडियो यूज़ करते हैं तो अपने चैनल पर बताता है, इसलिए रियूज कंटेंट देता है, और ऐसे में चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो चलो कोई नहीं, मिलते अभी थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, हमने पानी तो मैंने नहा लिया था 5 बजे, लेकिन खाना वाना एंड हो रहा है, अब ये देख सकते हैं। और ये हमारे साथ मुनी भी है, तो मैं अभी पानी गर्म कर दूंगा। तो चलो कोई नहीं, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और आज का व्लॉग को समाप्त करते हैं। टिंग टिंग, बाय बाय।